लीजिए माता दी राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। लक्ष्मी की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो मेरा ब्लॉग यहाँ मॉर्निंग से शुरू हो गया था, तो मैं अपने लिए गर्म पानी करके और उसमें थोड़ा सा हनी डाल के मैं पीऊँगी, क्योंकि इस टाइम समझ लो मेरा वेट बहुत ज़्यादा, मतलब देखने में मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसीलिए उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद में मैं यहाँ आ गई थी, सब्ज़ी कट करने लगी थी, तो आज बनेगा सोया मेथी पालक का साग आलू डाल के। तो किन किन लोगों को पसंद है वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, और मतलब एचवी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, हम लोगों सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर मुझे जाना था आज मार्केट, क्योंकि करना है करवा चौथ के लिए खूब सारी शॉपिंग। तो यहाँ मानस और हम और एचवी चले गए थे, तो मैं यहाँ पार्लर में पहुँच गई थी। तो बहुत ज़्यादा इस टाइम में तो पार्लर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो बहुत सारे लोग थे, तो मैं कोई क्लिप नहीं ली थी। तो मैं अभी पार्लर में ही हूँ और बाल कटवा लिए थे हम, और थ्रेडिंग करवाए, बाल कटवाए, और फिर मैं यहाँ आ गई थी चूड़ी लेने। तो देख सकते हो इस टाइम पे तो समझ लो कितना प्यारा लगता है मार्केट में घुसने के बाद, और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ। और मतलब बहुत सारी शॉपिंग करनी थी मुझे, चूड़ी भी अपने लिए लेना था और साड़ी भी करवा चौथ के लिए लेनी थी। तो यहाँ मैं साड़ी और इयर रिंग ये सब लेने आ गई थी। तो मैं क्या क्या शॉपिंग की हूँ वो सब मैं आप लोगों को इसी ब्लॉग में शाम को घर पे पहुँचूँगी, फिर दिखाऊँगी। और बहुत सारी शॉपिंग किए थे हम लोग, और फिर यहाँ देख सकते हो इस टाइम पे तो समझ लो सब जितनी लेडीज़ हैं सब लोगों को शॉपिंग 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 ही करना है। और फिर मैं यहाँ गई थी चूड़ी लेने, और चूड़ी का सेट लगवा लूँगी। यहाँ इयर रिंग ले लिए थे अपने लिए, नेकलेस भी ले लिए थे, और यहाँ मैं चूड़ी का सेट लगवा लूँगी। तो चूड़ी का सेट लगवाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ भी था, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और फिर मैं अपने लिए आ गई थी साड़ी लेने। तो मैं और हम और एच भी दोनों लोग आए थे, और मानस को तो उसके बुआ के घर पे छोड़ दिए थे। वो बुआ के यहाँ के लिए ही आया ही था कि मुझे बुआ के यहाँ जाना है और बुआ के हाथ का चाय पीना है। उसको मतलब बुआ उसकी चाय बनाती हैं, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो कभी भी आएगा ना तो बुआ मेरे लिए चाय बना दो, तो वो मतलब दीदी के घर पे रुक गया था चाय पीने के लिए। और यहाँ हम लोग आ गए थे शॉपिंग करने, तो यहाँ मैं साड़ी देख रही थी, बट साड़ी पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बहुत सारी साड़ियाँ देखी, तब जाके एक समझ में आया, क्योंकि मुझे सॉफ्ट कपड़े में चाहिए था, और इस टाइम अगर वर्क वाला लो ना तो थोड़ा कपड़ा हार्ड रहता था, तो इसीलिए नहीं लिए। तो बहुत सारे मतलब 2-3 शॉप पे गए, फिर जाके एक जगह पसंद आया। फिर एच भी बोल रहे थे ना कि तुम लोगों के दिमाग में ना पता नहीं क्या, हम लोग एक दुकान पे जाते हैं सब मिल जाता है, और तुम लोगों को 10 दुकान पे घुमाओ तब जाके एक मिलता है। और यहाँ मैं आ गई थी घर पे, साड़ी पूरा शॉपिंग हो गया था मेरा, और यहाँ मेरे घर पे बहुत सारा फूल खिला था। और ये रही मेरी साड़ी, बहुत अच्छी लग रही मुझे। कलर तो पिंक है, मैं रेड ढूंढ रही थी बट रेड नहीं था इसमें का, और ये पिंक ही था। एक ही मतलब समझ लो एक ही पीस बचा था ये वाला, बट बहुत प्यारा लगा मुझे, क्योंकि इसका कपड़ा ना बहुत सॉफ्ट है, और जो कपड़ा सॉफ्ट रहता है ना तो अच्छा रहता है पहनने में भी, नहीं तो फिर नहीं अच्छा लगता है। और ये है मम्मी की साड़ी, ये मम्मी की साड़ी है, मम्मी अपने लिए ली हैं। और फिर और चूड़ियाँ और नेकलेस ये सब भी दिखाऊंगी आप सभी को। और करवा में ना करवा चौथ में तो समझ लो बहुत खुशी रहती है कि हाँ मतलब इतनी सारी शॉपिंग भी करो, और फिर उसके बाद में व्रत भी रखो अपने एचबी के लिए, तो मतलब बहुत सुकून भी मिलता है, ऐसा नहीं है। और फिर यहाँ देख सकते हो, और फिर एक डिब्बा मतलब चूड़ी वैसे भी लेके आए थे करवा चौथ मैया को चढ़ाने के लिए, और साड़ी भी लेके आए थे, तो वो वाली साड़ी का क्लिप नहीं ले पाए हैं, तो वो मतलब आज वाले ब्लॉग में दिखाएंगे करवा चौथ वाले। ये रहा इयर रिंग, और ये रहा लिपस्टिक, और ये मतलब कान का, ये तो ऑनलाइन मंगवाए थे, ये तो आप सब लोगों को दिखाए ही थे। और ये इयर रिंग रहा, मतलब ये तो बहुत प्यारा लग रहा था, छोटू सा था बहुत प्यारा लगा, तो ये भी ले लिए हम। तो पूरा सामान कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और अभी लग गया है तुला, तो मम्मी चला रही थी तुलसी मैया के पास दीपक, मतलब दिया जलाया जाता है, तो यहाँ मम्मी जला रही थी।
और किन किन लोगों के यहाँ तुला में ही मतलब दीपक जलाया जाता है। अक्सर मतलब सभी लोगों के यहाँ जलाया ही जाता है दीप मतलब तुला में। तो तुला लग गया है, कई दिन हो गया लगे, तो यहाँ दीपक मम्मी जला रही थी। बड़ा प्यारा लग रहा था, दिवाली है। और फिर हो गया था मॉर्निंग में, और कुछ भी सूट नहीं की थी, तो मैं यहाँ लल्ला को नहला रही थी। और मैं लल्ला के लिए भी चार या पांच स्वेटर भी मंगवाई हूँ ऑनलाइन, तो बहुत प्यारा लग रहा था। और मतलब छोटा छोटा रहता है ना, तो बहुत प्यारा लगता है। और लल्ला का कपड़ा तो समझ लो बहुत प्यारा ही रहता है, क्योंकि वो मेरे छोटू से हैं, और छोटे छोटे कपड़े आते हैं ना, कुछ कुछ भी सामान मंगवाओ छोटा आता है ना, तो बहुत प्यारा लगता है। तो ये रहा स्वेटर, देख सकते हो आप सब कितना प्यारा लग रहा है, छोटू सा, और कलर भी बहुत अच्छा था। दो तीन तीन या चार मंगवाए थे, तो दो का कलर तो अच्छा नहीं है, लेकिन और पूरा कलर बहुत प्यारा है। तो यहाँ मैं स्वेटर भी पहना दूंगी। आज गुनगुने पानी से नहलाए भी हैं हल्का सा, क्योंकि मतलब ठंडी होने लगी ना, समझ लो बच्चों के लिए अगर ठंडी होने लगी तो लल्ला के लिए भी होने लगी। तो यहाँ लल्ला मेरे हो गए हैं रेडी, देख सकते हो आप सब, बड़े सोने लग रहे हैं स्वेटर पहन के, नया नया पूरा सामान देख सकते हो। और मेरे लल्ला कैसे लग रहे हैं आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, और कोई कमेंट करो या ना करो, बट ये कमेंट कर करके ज़रूर बताइएगा कि लल्ला कैसे लग रहे हैं। और यहाँ मैं मम्मी से लगवाने लगी थी मेहंदी, क्योंकि करवा चौथ है तो फिर सब पूरा डेंट पेंट होना होना चाहिए। एच भी बोल रहे हैं तुम लोग डेंट पेंट होने जा रही हो, और वो तो मस्ती में ऐसा बोलते ही रहते हैं कि तुम लोग डेंट पेंट हो जाओ। और यहाँ मैं मेहंदी लगवा ली थी, तो इस बार मेरा मेहंदी समझ लो मेरे लिए ना बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि अक्सर करवा चौथ में ना जल्दी जल्दी में मेहंदी अच्छे से नहीं लग पाता था, तो इस बार बहुत अच्छा लग गया है मेहंदी। और यहाँ मेहंदी का कलर देख सकते हो आप सब कितना मतलब बहुत अच्छा था, मतलब बहुत अच्छी रच गई थी मेहंदी, देख सकते हो आप सब। कमेंट करना कि मेरी मेहंदी कैसी लगी आप लोगों को, मुझे तो ना बहुत अच्छी लगी। और मेहंदी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं पढ़ाई भी करती थी ना तब भी एक हाथ में मेहंदी हमेशा लगा रहता था। और मेहंदी मतलब जैसे इयर रिंग है और सभी के लिए, मतलब स्कूल में बोलते भी थे, लेकिन मेहंदी के लिए मैडम नहीं बोलती थी, तो मेहंदी हम लोगों जितनी फ्रेंड थी ना सभी लोगों के हाथों में मेहंदी ज़रूर लगा रहता था। और यहाँ मैं बच्चों के लिए बनाने लगी थी हलवा, क्योंकि मानस का खाने का मन था कि मम्मा बना दो, तो मैं यहाँ उसके लिए बनाने लगी थी हलवा। और मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा।